सब चाहते हैं कि अपने बालकनी में या गार्डन में जो भी प्लांट होगे वो बहुत जल्दी से होगे और उसके जो भी फ्रूट्स है या फ्लावर्स है वो जल्दी से आ जाए। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कुछ पांच ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत आसानी से और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है कंपैरेटिवली एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी समर्स है तो सबसे पहला प्लांट मैं मॉस रोज या पोर्टुलाका को दूंगा क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इवन ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। मैंने कभी कभार कटिंग्स ऐसे फेंक दिए थे सॉइल में और ये ग्रो हो गया काफी अच्छे बंचेस में और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। अगर आप इसको धूप में बहुत अच्छे से रखते हैं तो फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं इसमें और ये काफी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप इसको ग्राउंड में या हैंगिंग बास्केट में रखेंगे तो बहुत जल्दी आपका हैंगिंग बास्केट भर देगा, इवन आपको कटिंग्स किसी और को देना पड़े ऐसी नौबत आ जाए। मॉस रोज और पोर्टुलाका काफी डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, डबल पेटल्स में भी मिलते हैं, शेडेड में भी, सिंगल कलर्स जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दूसरा प्लांट, मैंने इसका जिक्र पहले भी वीडियो में किया है, साइप्रस वाइन प्लांट। ये भी काफी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसमें रेड, पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे ट्यूलिप फॉर्म्स के, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको भी फुल सन की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आप पानी अच्छे से देते हैं, लैक ऑफ वाटर नहीं करते हैं, पानी सूखने नहीं देते हैं, तो इसका फास्ट ग्रोइंग काफी अच्छा होता है। बस इसको एक सपोर्ट चाहिए जहां पे ये अच्छे से बेल चढ़ सके और काफी ये बहुत बड़ा फैल जाता है कुछ टाइम में। तीसरा पौधा समर्स के लिए बेस्ट पौधा है फ्लावरिंग के टर्म्स में और एक खुशबूदार एनवायरमेंट क्रिएट करने के टर्म्स में, जो कि मोगरा का प्लांट है। ये भी काफी फास्ट ग्रोथ होता है मॉनसून और समर सीजन में, खास करके विंटर्स में थोड़ा ग्रोथ उसका रुक जाता है, बट समर्स और मॉनसून में इतना फास्ट होता है कि इसमें फूल्स भर जाते हैं आते 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 और उस सराउंडिंग में खुशबूदार एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इसमें व्हाइट करके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं गुच्छे में, एक खिलते हैं दूसरे खिलते हैं ऐसे करके गुच्छे में खिलते हैं और ये कभी कभार डबल पेटल्स, बड़े साइज में, छोटे साइज में, मिनी साइज में, एज पर योर नीड, ये रिक्वायरमेंट मार्केट में काफी अवेलेबल है। तीसरा प्लांट समर्स में रोजेस बहुत अच्छे से ग्रो होता है और काफी फास्ट होता है और इसमें कलियां बहुत सारी आती है। देसी रोज खास करके मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि विंटर वैरायटी या फिर आपको इंग्लिश वैरायटी ज्यादातर विंटर्स में ब्लूम होते हैं, बट समर्स में देसी वैरायटी बहुत बढ़िया ब्लूम होते हैं और बहुत अच्छे से उसमें कलियां आती है। रोजेस में अगर आप 15 दिन में एक बार खाद देते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग आते हैं और काफी बंचेस में आते हैं, पिंक, व्हाइट और रेड कलर के बहुत सारे वैरायटीज और कलर्स के मार्केट में अवेलेबल। आखिरी प्लांट मैं रेकमेंड करूंगा मधुमालती। मधुमालती एक ऐसा पौधा है, उसमें दो वैरायटी आता है, एक तो ड्वार्फ और एक देसी वैरायटी। मैं रेकमेंड करूंगा देसी वैरायटी जिसमें बहुत आसानी से और बहुत फास्ट ग्रोथ होता है उसकी क्रीपर्स बेल का और उसमें जब फूल आते हैं तो तीन चार कलर्स अलग अलग वैरायटी के, व्हाइट, पिंक और उसके बाद रेड। मधुमालती को आप अच्छे से अगर सपोर्ट देते हैं तो ये काफी अच्छे से फैल जाता है आपके पूरे जहां पर भी आपको लगाना हो और काफी फास्ट ग्रोथ है मॉनसून में और समर सीजन में। तो ये थे कुछ पांच ऐसे पौधे जो आप आसानी से नर्सरीज से ला सकते हो और ये काफी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है कंपैरेटिवली टू अदर।